एक साहूकार के चुंगल में एक किसान फंस गया। उसने अपनी मुसीबत में उससे काफी रुपये उधार लिए थे। अब भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कर्ज चुका सके। साहूकार अधेड़ और बदसूरत था। उसकी लालची नजर किसान की कमसिन और सुंदर लड़की पर थी। उसने किसान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों ही इस भयानक प्रस्ताव से सिहर उठे। उस चालाक साहूकार ने कहा, चलो मैं तुम्हें फैसला करने का एक मौका देता हूँ। मैं अपनी थैली में एक काला पत्थर डालता हूँ और एक सफेद। तुम्हारी लड़की अगर काला पत्थर उठाएगी तो मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। अगर इसने सफेद पत्थर उठाया तो यह मुझसे विवाह करने को बाध्य नहीं है, परंतु तुम्हारा कर्ज फिर भी माफ कर दूंगा। हाँ, अगर इसने थैली उठाने को मना कर दिया तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा। बात करते करते वह साहूकार झुका और उसने दो पत्थर उठाए और दो छोटी थैलियों में डाल दिए। जब वह ऐसा कर रहा था तो उस चतुर लड़की की नजर उसी पर थी। उसने देखा कि उस चालाक साहूकार ने दोनों ही काले पत्थर डाले हैं ताकि उसकी पहली शर्त सफल हो जाए। साहूकार ने लड़की से थैली उठाने के लिए कहा, अब मान लीजिए आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? या आपको उसे सलाह देनी होती तो क्या देते? इस संदर्भ में तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक, लड़की को यह शर्त नामंजूर कर देनी चाहिए। दो, लड़की को उस चालाक साहूकार की चालाकी उजागर करनी चाहिए। तीन, लड़की को काला पत्थर उठाकर पिता को कर्ज से मुक्त कर देना चाहिए। लड़की की दुविधा को दूर करने की सारी वैचारिक प्रणाली के परिणाम क्या होंगे? देखिए उस चतुर और बुद्धिमान लड़की ने क्या किया। अब उसने थैली से एक पत्थर इस तरह उठाया कि उसका पत्थर नीचे गिर गया और अन्य पत्थरों में मिल गया। उसने कहा, देखो मैं कितनी लापरवाह हूँ, परंतु कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा पत्थर निकालती हूँ तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर गिराया है। अब जबकि थैली में काला पत्थर था, अतः मान लिया गया कि उसने सफेद पत्थर ही उठाया था। अब वह साहूकार अपनी ही बेईमानी के जाल में फंस चुका था। लड़की ने अपनी बुद्धि से पूरी बाजी ही पलट दी। उसने उस असंभव परिस्थिति को एक लाभदायक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, बस प्रभु पर आस्था रखें, प्रार्थना करें। प्रभु ऐसी समझ देंगे कि हर कठिन समस्या का समाधान निकल ही आएगा।